नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग सेविंग डे सेल आज से स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों ये सेल वैसे कल से स्टार्ट हो चुकी थी, बट वो दोस्तों सेल थी फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर वालों के लिए, बट आज से दोस्तों सभी इस पर शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको 6 ऐसे स्मार्टफोन बताऊँगा जो आपको फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग डे सेल में मिल रहे हैं काफ़ी अच्छी कीमत पर। दोस्तों वो 6 स्मार्टफोन कौन कौन से हैं और वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों साथ ही दोस्तों इन 6 स्मार्टफोन के अंदर 2 स्मार्टफोन दोस्तों 5G भी हैं। दोस्तों जो लोग 5G फ़ोन खरीदने सोच रहे हैं या फिर कोई फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं सेल से, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 6 फ़ोन बताऊंगा जो दोस्तों काफ़ी अच्छी कीमत में मिलते हैं और दोस्तों काफ़ी अच्छे फ़ोन हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वहीं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद नहीं आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली डील की बात करें तो ये है दोस्तों Realme 8 5G। दोस्तों ये फ़ोन इस सेल में 14,000 रुपये का आपको मिल रहा है, बट दोस्तों अगर आप इसे बैंक डिस्काउंट के साथ खरीदते हो जो इसमें ऑफर मिल रहा है बैंक वाला, अगर आप एक्सिस बैंक से या फिर ICICI बैंक से इसका पेमेंट करते हो तो दोस्तों ये फ़ोन आपको 1,000 रुपये की कम कीमत में मिल जाएगा। दोस्तों ये आपको सिर्फ 13,000 रुपये का मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आपको 5G का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको डायमेंसिटी का 700 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। और दोस्तों रैम की बात करें तो इसमें आपको 4GB और 64GB का बैंड मिलता है, जो दोस्तों आपको 13,000 रुपये मिल जाएगा। फुल HD डिस्प्ले है और दोस्तों कैमरे दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं और 90Hz का स्मूथ डिस्प्ले है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे फीचर दिए गए हैं, आप अगर आप इस फोन लेना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो, जो आपको मिल जाएगा 13,000 रुपये में। अब दोस्तों दूसरी डील की बात करूं तो ये दोस्तों रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 30। दोस्तों ये फ़ोन 5G नहीं है, 4G फ़ोन है, बट दोस्तों इसमें आपको जी फोन आपको मिल रहा है 12,500 रुपये में, बट अगर आप इसको बैंक डिस्काउंट लगाते हो तो आपको 11,500 रुपये मिल जाएगा। दोस्तों इसमें भी आपको 4GB और 64GB का वेरियंट मिलता है। और दोस्तों इसकी फीचर की बात की जाए तो इसमें आपको दोस्तों ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है बैक में इसके, और दोस्तों इसका मेन जो मेन कैमरा है वो दोस्तों 48 MP का है, 5000 mAh की बैटरी है। और दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इसमें दोस्तों MediaTek का Helio G95 मिलता है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और दोस्तों साथ ही दोस्तों इसमें आपको 30W का फास्ट चार्ज देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों आपके फ़ोन को काफ़ी जल्दी चार्ज कर देगा। दोस्तों ये दो डील काफ़ी अच्छी हैं। अब दोस्तों तीसरी डील की बात करें, ये दोस्तों सैमसंग की तरफ से, दोस्तों सैमसंग का F62 जो कि हमें मिलता है 22,000 रुपये के अंदर, बट अब ये सेल में दोस्तों आपको मिल रहा है 18,000 रुपये का, और अगर आप इसमें बैंक डिस्काउंट लगाते हो तो ये सिर्फ 16,000 रुपये का रह जाता है। और भाई दोस्तों इसमें खास एक ऑफर ये है कि अगर आप इस फ़ोन को खरीदते टाइम अपने किसी भी फ़ोन को एक्सचेंज करते हो तो दोस्तों ये फ़ोन पे आपको 2,500 रुपये का दोस्तों काफ़ी अच्छा ऑफर मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, तो ये फ़ोन आपको सिर्फ 15,000 या 15,500 की कीमत मिल सकता है। इसमें दोस्तों काफ़ी अच्छे फीचर दिए गए हैं, जो कि आपको पता है सबसे दोस्तों इसका मेन फीचर है वो दोस्तों इसकी डिस्प्ले और बैटरी। इसमें दोस्तों आपको 6.7 इंच की एक फुल HD डिस्प्ले मिलती है दोस्तों, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, वहीं दोस्तों 7000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। तो इसमें काफ़ी अच्छे फीचर दिए गए हैं और सैमसंग का ब्रांड है दोस्तों F62, आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। अब दोस्तों अगले फ़ोन की बात करूँ तो वो दोस्तों Realme Narzo 30 5G। दोस्तों ये फ़ोन आपको मिल रहा है इस सेल में 16,000 रुपये का, अगर आप इसमें बैंक डिस्काउंट लगाते हो तो ये आपको 14,999 रुपये का मिल जाएगा, दोस्तों 15,000 रुपये में आपको मिल जाएगा 6GB और 128GB वाला वेरियंट। दोस्तों ये 5G फ़ोन है और इसमें भी दोस्तों आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। और इसके दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इसमें भी दोस्तों आपको MediaTek का Dimensity 700 प्रोसेसर देखने को मिलता है। कैमरा दोस्तों आपको इसमें 48 MP का मिलता है फ्रंट कैमरा, 16 MP का मिलता है, 5000 mAh की बैटरी है। और दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर हैं, ये भी आपको रियलमी की तरफ से 5G फ़ोन है, तो दोस्तों आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट डील की बात करता हूँ मैं, तो वो है दोस्तों सैमसंग की तरफ से। दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जिनको सैमसंग का डिवाइस चाहिए होता है एक बेस्ट फ़ोन, दोस्तों सैमसंग का F41 जो दोस्तों आपको इस सेल में मिल रहा है 6GB और 128GB वाला वेरियंट सिर्फ 14,500 रुपये में, बट दोस्तों अगर आप इसको बैंक डिस्काउंट से खरीदते हो, बैंक कार्ड लगाते हो तो दोस्तों ये आपको सिर्फ 13,500 रुपये में मिल जाएगा। 13,500 रुपये में दोस्तों आपको 6GB रैम और 128GB वाली स्टोरेज मिल रही है। और दोस्तों F41 काफ़ी अच्छा फ़ोन है जिन लोगों का नॉर्मल यूज है, जिन लोगों को ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं करनी, नॉर्मल फोन यूज़ करना है तो दोस्तों वो लोग इस फोन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें भी आपको 6.4 इंच की एक फुल HD डिस्प्ले मिलती है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। दोस्तों बैटरी भी काफ़ी बढ़िया 6000 mAh की, तो अगर आपको ये चाहिए तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो।
अब दोस्तों नेक्स्ट डील की बात करता हूँ आखिरी फ़ोन की, तो वो है दोस्तों रियलमी 7 प्रो, जो दोस्तों मैं खुद यूज़ करता हूँ। दोस्तों रियलमी 7 प्रो इस सेल में आपको मिल रहा है सिर्फ 16,000 रुपये का, बट दोस्तों अगर आप इसको बैंक डिस्काउंट से खरीदते हो तो ये आपको मिलेगा 15,000 रुपये में। दोस्तों 15,000 रुपये में आपको रियलमी 7 प्रो मिल रहा है, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं। इसमें आपको दोस्तों 6 GB और 128 वाले वेरियंट सिर्फ 15,000 रुपये में मिल जाता है बैंक डिस्काउंट के साथ। और दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, बैटरी ज़्यादा बड़ी नहीं है 4500 mAh की है, बट जो चार्जर है दोस्तों वो है 65 W का, जो कि दोस्तों आपके फ़ोन की बैटरी को काफ़ी जल्दी फास्ट चार्ज कर देता है। प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 720G, जो दोस्तों एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, चाहे आप इसमें गेमिंग करो या फिर दोस्तों आप मल्टीटास्किंग का कितनी भी हैवी करो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों चाहिए वो फ़ोन जो मैंने आपको बताए हैं इस लिस्ट में, जो दोस्तों मुझे वैल्यू फॉर मनी लगे। और दोस्तों जितने भी ये फ़ोन हैं आप इनको एक अच्छी EMI के साथ भी खरीद सकते हो। और दोस्तों ये सभी फ़ोन आपको अंडर 15,000 मिल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग 10 से 15,000 रुपये की रेंज में फ़ोन खरीदना पसंद करते हैं। तो जो भी फ़ोन मैंने आपको बताए हैं दोस्तों वो सारे फ़ोन 15,000 रुपये के अंदर आते हैं, 15,000 से ऊपर दोस्तों कोई भी फ़ोन नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।